हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है वर्क डन इन थर्मोडायनामिक सिस्टम और पीवी डायग्राम। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक कंटेनर ले लेते हैं जिस पर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। और मूवेबल पिस्टन इस तरह है कि हम अगर इधर ऊपर से फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, और अगर यहाँ से गैस जो है प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम सपोज करते हैं कि इस साइड से हमने फोर्स एफ जो है वो एग्जर्ट किया है कंटेनर के ऊपर। इट मीन के एनवायरमेंट ने फोर्स एग्जर्ट किया या प्रेशर एग्जर्ट किया है सिस्टम पर। तो हम प्रेशर या फोर्स दोनों ले सकते हैं, क्योंकि अगर फोर्स को इस एरिया पर हम कंसीडर करें, याद रहे कि पिस्टन का एरिया जो है वो ए है, यहाँ पर हमने दिया हुआ है। तो पिस्टन के एरिया पर अगर हम फोर्स कंसीडर करेंगे तो वो फिर प्रेशर होगा। तो फोर्स और प्रेशर इसलिए हमने दोनों कंसीडर किए हैं यहाँ पर। इनिशियली सिस्टम जो है वो यहाँ पर था, मतलब ये सारा वॉल्यूम जो था गैस ने घेरा हुआ था, लेकिन जब हमने यहाँ पर फोर्स एग्जर्ट किया या प्रेशर एग्जर्ट किया तो इसका वॉल्यूम जो है पिस्टन नीचे आ गया और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, और यहाँ पर डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर हो गया। तो पहले हम ये देखते हैं कि फोर्स और प्रेशर के बीच जो है रिलेशन क्या है। तो हमें ये पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो है हमारे पास प्रेशर के बराबर होता है, और इससे हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि एफ बराबर होगा पी ए के। ये इक्वेशन हमें बाद में हमने बाद में इसको यूज़ करना है। ये भी याद रहे कि पिस्टन का अगर हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर सिस्टम का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है तो पिस्टन का एरिया और जो कंटेनर का हाइट है दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या देगा, ये हमें इसका वॉल्यूम देगा। चूंकि हम इस छोटे सेगमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ जो कि डेल्टा एक्स की वजह से बना हुआ है, मतलब ये कि सिस्टम में जो चेंज आए, वॉल्यूम में जो चेंज आया हुआ है वो इतना चेंज है, क्योंकि कंटेनर पहले इतना भरा हुआ था, जब हमने फोर्स एग्जर्ट किया तो ये वॉल्यूम रह गया और बाकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया। तो जो डिक्रीज इन वॉल्यूम आया हुआ है वो डेल्टा वी है और वो बराबर है ए डेल्टा एक्स के। डेल्टा एक्स इसका हाइट है छोटा सा इस सेगमेंट का, और ए जो है वो पिस्टन का एरिया है। तो अब हमें ये भी पता है कि जो वर्क है उसका इक्वेशन होता है एफ डॉट डी एस आर डी एक्स। डी एक्स जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है वो dx है, और f जो है वो जो फोर्स है एनवायरनमेंट की तरफ से या एक्सटर्नल फोर्स जो एग्जर्ट हुआ है कंटेनर के ऊपर। तो इस तरह बन गया। जब हम डॉट को रिप्लेस करेंगे तो हम cos थीटा लगाते हैं, और यहां पर आप देख रहे हैं कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और जो डेल्टा x कवर हुआ है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है पैरेलल वेक्टर से, तो पैरेलल वेक्टर के बीच एंगल 0 होता है और cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। जब ये 1 के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं बनेगा। अब हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू जो है यहां पर हमने फाइंड आउट की है, अब हम यूज कर रहे हैं यहां पर, तो फोर्स की जगह हम लगा रहे हैं पी ए। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर ये टर्म जो है ए डेल्टा एक्स जो है, ए डेल्टा एक्स असल में बराबर है चेंज इन वॉल्यूम के, तो हम वही चेंज इन वॉल्यूम लगा देते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास अब वर्क आ गया, तो वर्क बराबर होगा या इस सेगमेंट को पिस्टन को यहाँ से यहाँ तक मूव करने में जो वर्क होता है, जो वर्क सिस्टम पर होता है वो बराबर होगा जितना कि यहाँ पर प्रेशर है और जितना कि यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज आया हुआ है, तो इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में कवर हो रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाया हुआ है और एंगल जो था वो जीरो था। लेकिन अगर इसके बरक्स सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, मीन के फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स जो है वो प्रीडोमिनेंट है, मतलब वो वीक है, वो कमज़ोर है, और यहाँ पर प्रेशर जो है मॉलिक्यूल्स का वो ज़्यादा है उसी एक्सटर्नल प्रेशर से, तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करेगा, और पिस्टन जब ऊपर की तरफ मूव होगा तो ये वर्क होगा बाय द सिस्टम ऑन द एनवायरनमेंट। और इसी केस में ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द एनवायरनमेंट। तो हमने ये पहले भी कहा था कि डेल्टा यू की शक्ल में या इंटरनल एनर्जी की शक्ल में, कि जब सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो इसी वर्क को हमने नेगेटिव कंसीडर किया था, तो ये फिर नेगेटिव होगा अगर ये सिस्टम की तरफ से एनवायरनमेंट पर हुआ, और अगर एनवायरनमेंट की तरफ से सिस्टम पर हुआ तो वो पॉजिटिव कंसीडर होगा। तो यहाँ पर जो केस हमने लिया है वो असल में एनवायरनमेंट की तरफ से ऑन द सिस्टम है, और अगर ये बाय द सिस्टम हो गया तो फिर ये क्या होगा, फिर ये नेगेटिव होगा। तो ये याद रहे कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो नेगेटिव होगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है वो हम उसी कन्वेंशन के मुताबिक फिर पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम इसी प्रेशर और वॉल्यूम, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एक रिलेशन है, अगर हम प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, अगर प्रेशर को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो फिर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए हम एक प्लॉट भी ड्रा करते हैं, लेकिन ये प्लॉट जो है ये डिफरेंट शक्ल में हो सकता है। ये इस तरह भी हो सकता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो और हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं इसी तरह। ये कौन सा होगा, अगर हम एक कंटेनर ले लें जिसका पिस्टन जो है वो बिल्कुल फिक्स है, वो मूव नहीं हो रहा, यहाँ पर इसको फिक्स कर देते हैं, तो फिर चाहे जितना भी हम प्रेशर जो है वो सिस्टम का इंक्रीज करेंगे कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो जब मूवमेंट नहीं होगी तो वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगा, और वॉल्यूम फिक्स रहेगा तो ग्राफ कुछ इस तरह होगा। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे और वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ये कि यहाँ से हम थोड़ा सा हीट दे रहे हैं तो सिस्टम की उधर प्रेशर को ये ज़्यादा कर रहा है, लेकिन उसी प्रेशर की वजह से यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर वापस डाउन हो जाता है। तो जितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है हीट के एंट्रेंस की वजह से उतना ही प्रेशर जो है वापस डिक्रीज हो जाता है सिस्टम के एक्सपेंशन की वजह से। तो इसी
से या इसी वजह से या इसी तरह प्रेशर जो है वो हमारे साथ कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूम जो है वो बढ़ता रहता है। तो ये ग्रीन लाइन उसी सूरत में है जब हम प्रेशर को कांस्टेंट ले और वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पर जब वॉल्यूम को हम कांस्टेंट ले और प्रेशर को ग्रेजुअली हम इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इस तरह का कोई सिस्टम है कि जिधर हम जितना हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं उतना वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो जितना हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम में तो इंक्रीज आता रहता है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर सिस्टम जो है वो लीनियर, इनका बिहेवियर फिर होगा लीनियर। तो ये डिफरेंट प्रोसेस हो सकते हैं। इस तरह भी हो सकता है कि कहीं पे ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इस तरह है, मीन के वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है प्रेशर के साथ, फिर वॉल्यूम कम हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। इसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट हो सकता है और वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो इन डिफरेंट सिचुएशन को हमने पढ़ना है फिर, और इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आ जाते हैं, जहाँ पर कभी प्रेशर कांस्टेंट होगा, कभी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो ये ग्राफ्स जो है इसमें वेरिएशंस आएंगे और उसी वेरिएशन से हम देखेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मतलब उसके बिहेवियर को हम देखेंगे कि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसका बिहेवियर क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा क्या बिहेवियर होगा, ये कांस्टेंट होगा, इवन हीट कांस्टेंट होगा तो इसका बिहेवियर क्या होगा। तो ये ग्राफ किसी मतलब डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, कई किस्म के हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि कौन सी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी जो है हमने कांस्टेंट रखी है। अच्छा, एक और बात, फिजिक्स में हम देखते हैं कि एरिया और स्लोप जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर ग्राफ का एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम यहाँ पर अगर हम ग्राफ का एरिया कंसिडर करें तो वो होगा वाई एक्सिस मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस, तो वी मल्टीप्लाई पी, तो वी और पी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी वी, और पी वी हमने इससे पहले कैलकुलेट किया हुआ है कि ये हमें वर्क देगा या सिस्टम का एनर्जी देगा। तो यह बात हम फिर पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थैंक यू वेरी मच।